धरती एक से एक जीवनदायिनी औषधि का भंडार है, लेकिन जानकारी न होने के कारण संजीवनी बूटी जैसी ये औषधि कहीं घर की शोभा बढ़ाती है तो कहीं जंगल झाड़ी के रूप में भरी पड़ी रहती है। आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी ही सांप से शुरू होती है। इस औषधीय पेड़ को सप्तपर्णी के नाम से जाना जाता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी मलेरियल नामक तत्व पाए जाते हैं जो तमाम बीमारियों में बेहद लाभकारी और फायदेमंद होते हैं। यह सांप काटने से लेकर कैंसर और मलेरिया के लिए काफी उपयोगी है। इस औषधि का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियंका सिंह ने कहा कि काफी प्रचलित और पुराने जमाने से उपयोग में लाई जाने वाली ये औषधि है। इसको सप्तपर्णी के नाम से जानते हैं। यह कैंसर, मलेरिया और सांप काटने जैसी कई गंभीर बीमारियों के लिए बेहद ही फायदेमंद और लाभकारी है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लेकर ही उपयोग करें। पर्णी का तो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। विभिन्न तरह की बीमारियों में बहुत पहले से होता आ रहा है, जैसे कि पहले सांप काटने के में प्रयोग करते थे इसका एंटीडोट के रूप में। दूसरी चीज़ क्या है, किसी को दस्त और बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर डिजेंट्री हो रही हो, उसको क्या करते हैं, इसका अर्क निकाल के, छाल का अर्क निकाल के पिलाया जाता है। उससे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है, दस्त रुक जाते हैं। और चीज़ क्या है, जैसे ये एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी मलेरियल, जैसे मलेरिया में जहाँ पर क्विनोन का जैसा रोल होता है, वैसे सप्तपर्णी भी काम करता है बहुत अच्छा। ये इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। इसका कैंसर में भी आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, कैंसर में भी, तो कैंसर में भी उपयोगी है। ये हाई बीपी को कम करता है। दूसरा क्या है, इसके छाल में एक अर्क निकलता है जो कि स्किन कोलेजन को बढ़ाता है, तो उसके प्रयोग से जो झुर्रियाँ वगैरह हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो जो स्तनपान करने वाली माताएं होती हैं वो अगर इसका सेवन करती हैं तो उनको मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। साइड इफेक्ट्स है कि जिसको बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई बीमारी या कोई इलाज चल रहा है तो उनको प्रयोग नहीं करना है। दूसरा क्या है कि इसके जो पौधे होते हैं उसमें पॉलेंस निकलते हैं ना, पॉलेंस जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है इसमें, तो वो उड़ते तो उससे एलर्जी कॉज करता है। तीसरी चीज़ क्या, अगर लॉन्ग टाइम इसका सेवन करते हैं तो कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें। आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। लोकल 18 बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट। आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियंका सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह जानकारी है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।